हेलो हेलो हाय, आई एम ओम, जो इस जगह को मैनेज करता है। मतलब खाते जाओगे, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत ही स्वाद खाना होता है। जैसलमेर इट्स 5:20 और अभी तक तो ठंड नहीं हुई है, लाइक हाफ स्लीव्स में तुम अभी तक इजीली घूम सकते हो। मुझे काफी एक्साइटमेंट हो रही है कि लॉकडाउन से पहले जस्ट मैं जैसलमेर आई थी, और अभी कोविड फाइनली रिलैक्स डाउन हो रहा है, और अब मैं आ रही लाइक आई नेवर इमेजिन मैं जैसलमेर दोबारा आऊंगी। लास्ट टाइम मैं आपको सनसेट पॉइंट नहीं लेके गई थी, बट आई टोल्ड यू कि वहां से सिटी लाइट्स बहुत सुंदर लगते हैं। जस्ट अ लोकल टिप, तो सनसेट पॉइंट पे सनसेट की जगह अगर आप आते जाते हैं तो आपको फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा, सिटी का और स्टार्स का। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू अ सनसेट पॉइंट, एंड दिस टाइम आई विल बी एबल टू शो यू कि वहां से जैसलमेर फोर्ट कैसा लगता है। अभी 6:10 PM हुए हैं, इतना ठंडी नहीं है, मतलब आई थिंक आई कैन वॉक विदाउट दिस पतला सा सेक्शन। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे सनसेट पॉइंट इन जैसलमेर तो ब्यास छतरी सनसेट पॉइंट आएगा, बट जो सनसेट पॉइंट मैं कह रही थी वो एक्चुअली कैफे द काकू द कैफे के बाजू में फोर्ट व्यू और सिटी व्यू पॉइंट है। तो एक्चुअली आप वहाँ से सनसेट देखना और सिटी व्यू देखना, और जब फोर्ट की पूरी लाइट चल जाती है तो इट लुक्स वेरी ब्यूटी। मॉर्निंग में कुछ नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि फोर्ट में लास्ट टाइम देख लिया था, तो वो वीडियो में उसका लिंक ऊपर कहीं शेयर कर दूँगी। बट हम सलम की हवेली गए थे, विच वॉज अ गुड प्लेस, एंड आई थिंक वहाँ का टूर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। अभी आई रीच्ड माला की ढानी, एंड इट्स अ होम स्टे काइंड ऑफ प्लेस इन अ विलेज अराउंड 16 kilometers फ्रॉम जैसलमेर। सो इफ यू लाइक पोएट एंड विलेज टाइप्स होम एक्सपीरियंस, we are just 2 kilometers from there now and it's all khali. बहुत ही सही है। ये हम पहुंच गए माला की धानी, और काफी 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 क्वाइट और काफी सुंदर है। अगर तुम्हें जैसलमेर आए हो, आई थिंक वन डे यहाँ पे तो बनता ही है। अनफॉर्चुनेटली हम सनसेट नहीं देख पाएंगे, बट यहाँ से सनसेट भी आई एम श्योर काफ़ी सही होगा। दिस प्रॉपर्टी वॉज अपेरेंटली स्टार्टेड बाई फॉरिनर टूरिस्ट कपल, आई एम लाइक अज्यूमिंग इट वॉज देवर टूरिस्ट, बट इसकी केयर टेकर है ओम भैया, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है, एंड ये इनके छोटे छोटे बच्चे, और बिल्कुल ही विलेज स्टाइल घर बने हैं, वेरी बेसिक सोलर
पावर यूज होती है फॉर हीटिंग। यहाँ पे हट्स के प्राइवेट बाथरूम नहीं है, कॉमन बाथरूम है। एंड ये है टॉयलेट एंड बाथरूम, दैट देयर इज हैंड वॉश एरिया। दैट फार एंड इज द सनसेट पॉइंट, वो जो वाइट टेम्पल दिख रहा होगा वो है सनसेट पॉइंट। तो जो अभी हमने टेम्पल देखा था, तो ऐसे बच्चे के साथ खेलते खेलते डिसाइडेड कि ऊपर चलते देखते हैं। ये रहा टेम्पल, वो दूर वहाँ है हट। तो सनसेट नहीं दिखेगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्लाउडी एंड पता नहीं स्टार्स भी दिख पाएंगे कि नहीं। तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं बॉनफायर और काफी सही लग रहा है, तो गरम गरम, ठंडी नहीं लग रही ना बिल्कुल भी। अच्छा जो दिखी नहीं रहा। गुड मॉर्निंग, सो अभी चल रहा है नाश्ता। और काफी अच्छा लग रहा है, हमने सुबह सुबह बर्ड फोटोग्राफी कर ली। थोड़ा सा घूम फिर लिया। थर्टी निकलेंगे यहाँ से आफ्टर हैविंग लंच। और फिर ये आ गया ललित, आना वीडियो में। ये है ललित, अरे हेलो हेलो हेलो। और ये हमें काफ़ी अच्छा गरम गरम खाना दे रहे हैं। और बस आज रात को हम जाएंगे ड्यून्स पे, तब तक आप यहाँ प्लेस देखिए। आई विल सी यू इन द ड्यून्स। जो इस पूरी जगह का ध्यान रखते और यहाँ पे आए हर मेहमान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते, तो ये आपको इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाय, आई एम ओम, जो इस जगह को मैनेज करता है। और ये प्राइवेट हट है, ट्रेडिशनल हट्स है। तो लोग जो बड़ी सिटीज में रहते हैं वो यहाँ आते हैं मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए। इट इज़ एन एक्सपीरियंशियल थिंग कि आप आओ, आप बेसिक लाइफ जियो एंड एंजॉय करो क्वाइट और शांति। ओम भैया की वाइफ जो खाना बनाती है, मतलब खाते जाओगे, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, सच में बहुत ही स्वाद खाना होता है। हम रुके एक शॉप पे सुबह, मतलब क्योंकि हम ड्यून्स पे पूरी रात रुकेंगे, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा खाने की प्रिपरेशन के लिए जो ड्यून्स में प्रिपेयर हो जाए उसके लिए अभी ओम जी सामान लेने के लिए रुके। और ये ड्यून्स, जितेंद्र ड्यून्स का क्या नाम है, पहुँच गए हम